प्रदेश में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के लिए बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए एक नई योजना चलाई है, जिसके तहत बीजेपी के साथ जुड़े अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पद देकर मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया है। भाजपा ने अपनी इस योजना से मेवात को भी अछूता नहीं छोड़ा है। यहाँ से भी पार्टी के साथ जुड़े नेताओं ने कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पद दिलाए हैं जो मेवात में भाजपा नेताओं के नज़दीक की गिनती में गिने जाते हैं। इसी कड़ी में नूह के गांव शाहपुर नंगली के सरपंच अब्दुल्ला को भी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया है। अब्दुल्ला को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनके निवास स्थान पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। अपनी इस नियुक्ति पर अब्दुल्ला सरपंच ने सीएम मनोहर लाल, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, ओम प्रकाश धनखड़ सहित मेवात के तमाम बीजेपी नेताओं का धन्यवाद प्रकट किया है। देखिए रिपोर्ट। अपने सीएम साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का मैं खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उनके जो लीडर साहिबान हैं, चौधरी जायदुल हुसैन साहबान, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मंच के जो है तो उसको उपाध्यक्ष बनाए हैं, मेवात को एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और उसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो बना नसीम अहमद विधायक सरोतपुर हल्का से जो बनाए हैं, उसका पूरी मेवात के अंदर एक बहुत बड़ा एक शौक जागरूक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो सब पार उतारा है। कोई झूठा फार्मूला नहीं दिया, क्योंकि पहले भी हमारे इसी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, 32-33 जई लगाए, बेस सपोर्ट के लगाए, उनके काबिलियत पर लगाया गया। मैं उनका तह दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे इलाके मेवात की तरफ से, जो उन्होंने हमारे बच्चों को जई नुक किया। आज वो अपने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटियों को पर सब चढ़े हुए हैं। मैं सरकार का और उनके लीडर साहिबानों का, चौधरी जाकिर हुसैन हमारे 36 बिरादरी के चौधरी हैं उनका भी, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र पटेल भाई जी का भी, और सुरेंद्र देशवाल आर्य साहब का भी, खुर्शीद राजा का भी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कद है पार्टी के अंदर। मैं उनका सबका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेवात की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारी मेवात को और युवाओं को ऐसे ही चढ़ाते रहें, ताकि विपक्ष लोग कहते हैं बीजेपी बुरी है, बीजेपी बुरी नहीं है। सीएम साहब ने वो काम करके दिखाया है, उनके लीडर साहिबों ने वो काम करके दिखाया जो काबिल-ए-तारीफ है। का हम आभार व्यक्त करते हैं जो इतने उससे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा हुआ प्रदेश मंत्री बनाया है, और जो कि नारा है मनोहर लाल का और नरेंद्र मोदी साहब का, सबका साथ सबका विकास, वही आज देखने को मिल रहा है। हमारा छोटा सा गांव है जो कि बिजली पानी रास्ता किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और इसका भारतीय जनता पार्टी का और सीएम मनोहर लाल खट्टर का हम आभार करता है। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी की तरह पर आज सबको आईने में दिख रहा है।